हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के, जो कि आपके 2 जनवरी 2020 से लिए गए इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, रेलवे हो, या कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें ये करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस वीडियो को। तो जो पहला करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो ये है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो थर्ड एडिशन हो रहा है वो किस शहर में हो रहा है। अभी जो हाल में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, उसका थर्ड एडिशन किस शहर में हो रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा गुवाहाटी, असम। गुवाहाटी, असम होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रीज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कंट्री के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं उनका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बिपिन रावत, ठीक है। यहां पर एक नया पोस्ट आया है सीडीएस के रूप में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि इंडियन नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इन सभी का जो चीफ होगा वो एक पर्सन होगा, और ये पर्सन कौन है? ये है बिपिन रावत है, ठीक है। अभी हाल में ही अनकापाले रेलवे स्टेशन पे एक पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है कि साउथ सेंट्रल रेलवे के किस डिवीजन में ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा विजयवाड़ा, ठीक है। विजयवाड़ा डिवीजन में ये लॉन्च किया गया है पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके अंतर्गत आप जो है डिस्प्ले बोर्ड पे देख सकते हैं ट्रेन का स्टेटस, टाइमिंग, सब कुछ। एक और डिस्प्ले बोर्ड है जहां पर आप कोच के बारे में देख सकते हैं कि कौन सा कोच किधर से आएगा, और उसके बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो कि पैसेंजर को बहुत हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हाल में ही जो है रिटायर किए हैं पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट से? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, ठीक है, इंडिया का जो लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, उस पोस्ट से कौन सा रिटायर किया है अभी हाल में ही, कौन रिटायर किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आरआर भटनागर, ठीक है, भटनागर जी जो है वो रिटायर किए इस पोस्ट से। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द हेड ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी सीआरपीएफ के। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में अभी जो ये पोस्ट खाली हुआ, क्योंकि यहाँ पर रिटायरमेंट हुई है अभी हाल में, तो अब इस रिटायरमेंट को फुल करने के लिए अब किसको अब एडिशनल चार्ज दे दिया गया है सीआरपीएफ का, ठीक है। तो ये होगा एसएस देसवाल को, एसएस देसवाल को एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। एसएस देसवाल अभी प्रेजेंट में आईटीबीपी के जो है, आईटीबीपीटी के जो है वो डीजी है, और उनको जो है अभी एडिशनल चार्ज दे दिया गया, सीआरपीएफ का भी दे दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट एरिया वाइज विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री, ठीक है। मतलब कि स्टेट कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जो है वो कवर किया हुआ है, ठीक है, एरिया वाइज। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, ठीक है। ये स्टैटिक जीके में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से कौन सा जो स्टेट है वो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किया हुआ है परसेंटेज के हिसाब से? तो इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट शोड द मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। अभी हाल में ही जो है इंडिया का जो है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में पाया गया है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट को ग्रो किया है, मतलब बढ़ाया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंक्रीज हुई है फॉरेस्ट की। तो ये शहर है कर्नाटका। अभी हाल में ही दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो मिला है, किसके द्वारा मिलता है दादा साहब फाल्के अवार्ड? तो वो मिलता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? तो रामनाथ कोविंद है। और रामनाथ कोविंद ने किसको दिया है दादा साहब फाल्के अवार्ड? तो आपका राइट आंसर होगा अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है।
मलाला यूसुफ जाई, ठीक है, मलाला यूसुफ जाई को आप सभी लोग जानते हैं। ये नॉवल जो है पीस प्राइज इनको मिल चुका है, ये पाकिस्तान की है और इनके ऊपर एक बायोपिक मूवी बन रही है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो एक बायोपिक मूवी बन रही है, उस मूवी का नाम क्या है? उस मूवी का नाम है गुल मकाई। और इस मूवी को जो है डायरेक्ट कर रहे हैं एची अमजद खान और प्रोड्यूस कर रहे हैं संजय सिंगला, ठीक है। अभी हाल में ही चाइना जो है एक सक्सेसफुली जो है लॉन्च किया है सबसे बड़ा लार्जेस्ट कैरियर रॉकेट। उस रॉकेट का नाम क्या है और ये रॉकेट कहाँ से लॉन्च हुई है? ये रॉकेट लॉन्च हुई है वेंग चैंग स्पेस लॉन्च सेंटर से लॉन्च हुई है। और जो सबसे ज्यादा बड़ा जो लार्जेस्ट कैरियर रॉकेट है उसका नाम है लॉन्ग मार्च 5। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि चाइना जो है कौन सा सबसे बड़ा लार्जेस्ट कैरियर रॉकेट लॉन्च किया है। तो लॉन्ग मार्च 5 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए कि उद्यान मने जो है ये किस खेल से संबंधित है? उद्यान मने ये किस खेल से संबंधित है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है उद्यान मने और ये गोल्फ से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर होगा गोल्फ। हु हैज बिकम द 2019 वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन? वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा कॉनरे हम्पी। विच टीम हैज वॉन द एमसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड? एमसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किस टीम को मिला है? तो ये टीम है न्यूजीलैंड। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू पॉलिसी फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल? सब अभी जो है हाल में ही कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया है एक नया पॉलिसी किस चीज के लिए? तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कौन सा स्टेट है? तो वो है आपका राइट आंसर बिहार। फाइनेंस मिनिस्टर जो है अभी हाल में ही एक लॉन्च किए हैं एक ऐप, और ये बहुत ही अच्छा ऐप है और बेहतरीन बोल सकते हैं। ये ऐप का नाम क्या है और ये ऐप काम क्या करता है? ये काम करता है ऑनलाइन ऑक्शन ऑफ एसेट्स, जो भी बैंक के जो एसेट्स हैं उनको ये ऑनलाइन अब बेचेगा, ठीक है। तो इस जो ऐप का नाम है ये क्या है उस ऐप का नाम? तो इसका राइट आंसर होगा ई बिक्रे। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नजर नाडी, नजर नाडी जो है जो कि हाल में ही अभी मरी है वो क्या थी? ही मतलब वो क्या थी बताइए। इसका राइट आंसर होगा सोशल वर्कर। सोशल वर्कर, नजर नाडी सोशल वर्कर। विच स्टेट इज प्लानिंग टू सेट अप 4 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर? कौन सा स्टेट है जिसने अभी प्लान किया है 4 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज अनवील्ड अ स्टेच्यू ऑफ अरुण जेटली रिसेंटली? कौन सा अभी किस शहर ने अभी उस शहर के जो गवर्नमेंट है वो अरुण जेटली जो कि आप जानते हैं कि पूर्व वित्त मंत्री थे ये, और उनका एक स्टेच्यू बना है, कौन सा शहर है? तो ये होगा राइट आंसर बिहार। बिहार के प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है? तो आपको नीतीश कुमार है, ठीक है। तो ये कुछ एमसीक्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम देख रहे हैं आप, टेलीग्राम का जो लिंक देख रहे हैं उस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ऑलरेडी बहुत सारे पीडीएफ हैं, उसका भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट करेंट अफेयर्स के वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।